हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड चैप्टर, पाइप और टंकी। बेसिकली पाइप एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही टॉपिक है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो अप्रोच हमने टाइम एंड वर्क में फॉलो की थी, वही अप्रोच हम पाइप एंड सिस्टर्न में फॉलो करें तो हम इसकी प्रॉब्लम को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टाइम एंड वर्क के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को जाइए, उनको देखिए एंड लर्न कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर को भी बहुत इजीली विद इन सेकेंड्स सोल्व कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पाइप एंड सिस्टम में हमें क्या करना है, जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, टाइम एंड वर्क में हमने क्या किया था, इनिशियली हमने क्या किया था, एफिशिएंसी फाइंड आउट की थी। जो भी इंडिविजुअल पर्सन था आपके पास में, उसकी आप क्या कर रहे थे, क्षमता फाइंड आउट कर रहे थे, एक दिन काम करने की क्षमता। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इंडिविजुअल पाइप होगा या इंडिविजुअल लीकेज है, उसकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आपको एफिशिएंसी और क्षमता आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देन उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की नेक्स्ट कंडीशन पे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में दोनों पाइप या फिर दो मेन है, दो पाइप है, दो लीकेज है, उनसे आप क्या करोगे, टोटल वर्क यूनिट फाइंड आउट करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टायर हैज टू पंचर्स, एक टायर है जिसके अंदर दो पंचर है, फर्स्ट पंचर अलोन कैन मेक द टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स, पहला पंचर 9 मिनट में उसे फ्लैट बना देता है, मींस 9 मिनट में उसकी सारी हवा बाहर निकाल देता है, एंड सेकंड अलोन इन 6 मिनट, एंड सेकंड दूसरा जो पंचर है वो अकेला उसको 6 मिनट में हवा सारी बाहर निकाल देता है। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर बोथ द पंचर्स टू मेक द टायर फ्लैट, मींस अगर दोनों एक साथ हो तो कितना टाइम लगेगा उसकी कंप्लीट एयर को बाहर निकालने में। आपको करना कैसे, जो हम वहां कर रहे थे, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इंडिविजुअल कितने में करते हैं, 9 मिनट, सेकेंड इंडिविजुअल 6 मिनट में, यही कर रहे थे हम टाइम एंड वर्क में भी। इन दोनों का एलसीएम लेके आपको क्या करना है, टोटल वर्क यूनिट फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 18, ये आपके पास में क्या आएगा, 18 वर्क यूनिट, मीन्स ये हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट उसके अंदर एयर है, ठीक है। आप फर्स्ट की इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 18 में डिवाइड करेंगे 9 से, 2 यूनिट पर मिनट, और यहां सेकंड की एफिशिएंसी क्या आएगी, 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर मिनट, मीन्स फर्स्ट टायर 2 यूनिट एयर क्या करता है, 1 मिनट में बाहर निकालता है अकेला, एंड सेकेंड क्या करता है, 3 यूनिट एयर बाहर निकालता है 1 मिनट में। अगर दोनों एक साथ हो तो इन 1 मिनट कितने निकालेंगे, 2+3 5 यूनिट एयर क्या करेंगे, वो बाहर करेंगे इन 1 यूनिट, मीन्स टोटल कितनी, 18, 1 मिनट में 5 यूनिट निकाल रहे हैं, तो दोनों पंचर्स को कितना टाइम लगेगा, 18 / 5 means 3.6 minutes it will take to for both the tire punctures to make the tire flat. Means 3.6 minutes लगेंगे दोनों punctures को tire को flat करने में। तो देखा हमने, जो यही हम क्या कर रहे थे, वहां पे दो main थे, उन दोनों का individual work given होता था, एंड उससे आप क्या करते थे, टोटल वर्क फाइंड आउट करते थे एंड सेम अप्रोच फॉलो करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच आप टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, टू पाइप्स A and B fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. दो पाइप आपके पास में, एक टैंक को फिल कर रहे हैं
ए को लगता है 20 मिनट एंड बी को लगता है 30 मिनट। इफ बोथ पाइप ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में? वही अप्रोच है आपके इसमें, ए बी, ए को कितना टाइम लगता है 20 मिनट, बी को 30 मिनट, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो, एलसीएम ऑफ बोथ 20 एंड 30 क्या आएगा 60। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये मेरे पास में टोटल वर्क, टोटल वर्क ए की एफिशिएंसी आ गया आपके इसमें 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितना आएगा 2 यूनिट। मीन्स इन दोनों का क्या आ गया, 1 मिनट का वर्क आ गया, ये 3 मिनट वर्क करता है और ये 2 यूनिट वर्क करता है। तो अब दोनों का अगर इंडिविजुअली एक साथ ओपन हो 3+2 5 यूनिट, ए प्लस बी एक साथ ओपन है ना दोनों, 3+2 5 यूनिट, टोटल टाइम कितना है 60/5 12 मिनट। इट विल टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ द पाइप्स वर ओपन। ये सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसी टाइप के हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर हम अगेन अनदर अप्रोच को फॉलो करेंगे, अनदर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तीन पाइप, थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स। मीन्स तीनों पाइप्स के लिए इंडिविजुअली सेपरेटली टाइम गिवन है कि किसी टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगता है। इफ पाइप ए इज ओपन फॉर ऑल टाइम, ए स्टार्ट टू एंड तक ओपन है, ए इज ओपन फॉर ऑल टाइम एंड बी एंड सी ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर्स। इसका मीनिंग है बी एंड सी ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर्स। मीन्स ए के साथ में पहले बी को ओपन करना है, फिर एक घंटे बाद बी को क्लोज करेंगे, बी को क्लोज करके सी को ओपन करेंगे, बट उस टाइम में ए हमेशा ओपन रहेगा। मीन्स ए स्टार्ट टू एंड तक ओपन करना है। इनिशियली हम ये कॉम्पोजिशन आएगा मेरे पास में, सेकेंड ए आएगा बट बी रिप्लेस कर जाएगा सी से। ए मीन्स फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ, मीन्स ये आपके पास में चलता रहेगा जब तक टैंक कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता। एंड वो टाइम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा अगर इस कॉम्पोजिशन के साथ में अगर आप टैंक को फिल कर रहे, देन हाउ मच टाइम इट टेक टू फिल द टैंक। इसमें करना क्या है, इंडिविजुअली सबसे पहले हमें वही करना है, तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ए बी एंड सी कितना कितना मिनट लग रहा है, इसको 12 मिनट लग रहा है, इसको 15 एंड 20, 12 ओवर्स 15 ओवर्स एंड 20 ओवर्स। ठीक है, तो इन तीनों से आप क्या करोगे, इन तीनों के एलसीएम लेके टोटल वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम 60। ए की एफिशिएंसी करोगे फाइंड आउट, 60 में डिवाइड करोगे 12 से 5, बी की एफिशिएंसी 60/15 4 यूनिट, सी की एफिशिएंसी आएगी आपके पास में 3। मीन्स टोटल फील कितना करना है आपको, टोटल फिल करना है आपको 60। ए घंटे में फिल करता है 5 यूनिट, बी करता है 4 यूनिट, सी करता है 3 यूनिट। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या था आपके उसमें, वही अल्टरनेट डेज वर्किंग वाला कंसेप्ट है आपके उसमें। पेयर फॉर्म करना होगा आपको, फर्स्ट पेयर कितना कर रहा है 5+4, सेकेंड पेयर कितना करेगा, सेकेंड में ए तो है पर नेक्स्ट ओवर सेकेंड ओवर में बी को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, तो फर्स्ट ओवर में हमारे पास में कितना यूनिट फिल होगा, 5 तो ए करेगा 4 बी करेगा, मींस 9 यूनिट फिल होगा। देन सेकेंड ओवर में 5 ए करेगा एंड 3 यूनिट सी करेगा, मींस 8। मींस एक पेयर, वन पेयर इक्वल्स टू 2 ओवर्स।
और 2 ओवर्स में फील्ड कितना हो रहा है 9 प्लस 8 17 मिनट। अब क्या करना है आपको, 2 घंटे में 17 फील हो रहा है, देन आपको इसके नजदीक जाना है, इसके पास में जाना होता है, तो 60 डिवाइड बाय 17, तो कंप्लीटली अगर डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइडेड है, 51 आ जाएगा, देन रिमाइंडर कितना रहेगा 9, मींस 3 तो पेयर कंप्लीट बन गए, उसके बाद में आपको कितना है 3 यूनिट, 3 पेयर बनेंगे कंप्लीट, तो कितना यूनिट फील होगा 3 × 17 मींस 51 यूनिट, तो फील हो गया आपके पास में 3 पेयर्स में, एंड 1 पेयर इक्वल्स टू 2 ओवर्स, मींस 6 घंटे में आपके पास में 51 यूनिट फिल हो चुका है टैंक में। अब आपके पास में 9 यूनिट रहे, तो देखो जैसे फर्स्ट में ए बी ए सी, फिर ए बी ए सी ए बी ए सी, मींस ये 1 to 6 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, देन नेक्स्ट रिपीट क्या होगा ए बी, और ए बी कितना मिनट फिल करता है एक घंटे में 9 यूनिट, मींस जो रिमेनिंग 9 यूनिट है वो नेक्स्ट 1 ओवर में फिल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइप ए एंड बी। यहां से मेरे पास में 3 पेयर इक्वल्स टू 6 ओवर्स प्लस 1, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7 ओवर्स बाय द बी एंड सी ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 ओवर्स, तो कितना टाइम लगेगा 7 ओवर्स। देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, इफ पाइप ए कैन एम्प्टी द टैंक इन 1 आवर, यहां मेरे पास में एम्प्टी का कंसेप्ट आ गया, मींस यहां नेगेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट लेंगे, और ये हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है आपके पास में कोई आपके वर्क को क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है, बट इस टाइप के प्रॉब्लम हमने टाइम एंड वर्क में डिस्कस नहीं की थी, ये आपके इसी पाइप एंड सिस्टम में ही मिलेगी आपको, जिसके अंदर नेगेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट आपको क्या करना है फॉलो करना है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इफ पाइप ए कैन एम्प्टी द टैंक इन 1 आवर एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स, ठीक है, तो यहां मेरे पास में 2 पाइप है ए एंड बी, ए क्या करता है 1 आवर, बी इन 30 मिनट्स, तो यूनिट क्या करना है आपको सेम करना है, मींस ए क्या करता है 1 आवर और इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट में एम्प्टी करता है उसको, बी कितने में करता है 30 में, इफ बोथ द पाइप वर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक, अगर दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली होने में, सेम कंसेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, दोनों से एलसीएम ले लो आप, मींस 60 यूनिट क्या करना है अभी तक फिल कर रहे थे, यहां आपको क्या करना है 60 यूनिट खाली करना है, ए अकेले की फाइंड आउट कर लो, 60 से 60 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट मींस वो 1 मिनट में 1 यूनिट क्या कर देता है खाली कर देता, बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 2 यूनिट, 60 में डिवाइड करेंगे 30 से तो 2 यूनिट, मींस जो पाइप बी है वो 2 यूनिट वॉटर क्या कर देता है टैंक से खाली कर देता है, तो अगर एक साथ ओपन हो ए प्लस बी तो एक मिनट में कितने करेंगे 3 यूनिट क्या कर देंगे, काम को डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर खाली कर देंगे, खाली कितना करना आपको टोटल वर्क 60, तो 60 डिवाइड बाय 3 20 मिनट, मींस अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन हो तो उन्हें 20 मिनट लगेगा उस टैंक को खाली करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स, यहां एक्चुअल में नेगेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट फॉलो करेंगे, इफ बोथ द पाइप ओपनड together, then how much time it will take to empty the tank? Means यहाँ के अगर एक तो fill कर रहे हैं and दूसरा जो है
यहां से तो क्या कर रहे हैं, पाइप ए क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, एंड इससे क्या कर रहे हैं, पोर। फाइव ओवर्स ए पाइप है, कैन फिल द टैंक इन फाइव ओवर्स, ये पांच ओवर्स में इसको फिल करता है, एंड जो पाइप बी है वो क्या करता है, फोर ओवर्स में इसको एम्प्टी करता है, मींस खाली कर देता है। इफ बोथ द पाइप ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी, मींस अगर दोनों एक साथ ओपन हो तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को खाली होने में। तो देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको कैसे नेगेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट फॉलो करना है, करना क्या, सेम अप्रोच फॉलो करनी, पाइप ए एंड बी, पाइप ए एंड बी, ए क्या कर रहा है, फिल कर रहा था, मींस फिल कर रहे तो पॉजिटिव एफिशिएंसी, खाली कर रहे तो नेगेटिव एफिशिएंसी, कितने में करते हैं, पांच ओवर्स में। बी कितने में करता है, फोर ओवर्स में, करना वही है सेम, दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, 20, इंडिविजुअल ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 में डिवाइड करोगे 5 से, 4 यूनिट, मींस ये 4 यूनिट तो क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एफिशिएंसी, और एट द सेम टाइम बी क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है इसको, तो इसकी जो एफिशिएंसी है कि वो क्या होगी, नेगेटिव। बी क्या कर रहा है, आपको खाली कर रहा है, पे 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5, मींस ए 4 यूनिट तो फिल करता है और उसी टाइम में बी क्या कर देता है, 5 यूनिट बाहर निकाल देता है और एम्प्टी कर देता है, मींस अगर ए प्लस बी साथ काम कर रहे हो तो कितना आएगा, 4 - 5 मींस 1, 1 किसके लिए है, एम्प्टी के लिए, मींस इन 1 घंटे में आपके पास में 1 यूनिट क्या हो रही है, खाली हो रही है, अगर ए और बी दोनों साथ में ओपन है, चाहे ए फिल कर रहा है एंड बी खाली कर रहा है, उस टाइम हो क्या रहा है, 1 यूनिट क्या कर रही है आपकी, बाहर निकल रही है टैंक से, टोटल कितनी आपके पास में, 20 यूनिट, टोटल यूनिट वर्क कितना है, 20, 1 घंटे में कितना खाली होता है, 1 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम टू एम्प्टी द टैंक कितना लगेगा, 20/1, 20 ओवर्स, जब 1 घंटे में कंबाइनली 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो 20 यूनिट के लिए लॉस के लिए कितना टाइम चाहिए आपको, 20 ओवर्स। तो बस ये ध्यान में रखना है आपको कि जहां आपके इसमें लीकेज हो या फिर पाइप एम्प्टी हो वहां आपको नेगेटिव एफिशिएंसी का कंसेप्ट क्या करना है, फॉलो करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं उसी टाइप का, जिसके अंदर अल्टरनेट वर्किंग का कंसेप्ट हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे अगेन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 ओवर्स, एक पाइप है वो 12 घंटे में किसी टैंक को फुल कर देता है, बट ड्यू टू ए लीक द टैंक इज फिल्ड इन 18 ओवर्स, बट वहां टैंक में क्या कुछ लीकेज है एंड लीकेज के कारण हमारा जो टैंक है वो 18 घंटे में क्या हुआ, कंप्लीटली फिल हुआ, इन हाउ मेनी ओवर्स कैन द लीक एम्प्टी द टैंक, मीन्स कंटिन्यूस लीकेज होगा तो वो लीक क्या करेगा, कितने टाइम में उस टैंक को कंप्लीटली खाली करेगा, वो हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो अब यहां हम क्या करेंगे, यहां तो मेरे पास में पाइप हो गया एक, तो एंड टू सेकेंड क्या है, ड्यू टू लीक, एक तो ओरिजिनल टाइम लूंगा मैं पाइप का, एक लूंगा ड्यू टू लीकेज, ओरिजिनल टाइम कितना है 12 ओवर्स एंड ड्यू टू लीकेज 18 ओवर्स, यहां गिवन नहीं है कि 18 घंटे में वो खाली कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो कह रहा है ड्यू टू लीकेज 18 घंटे लगे उसको फिल होने में, तो दो कंसेप्ट, दो अलग अलग कंडीशन आ गई मेरे पास में, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो हमारे पास में टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा,
एलसीएम कितना आएगा 36, क्या आ गया टोटल वर्क यूनिट। अब पाइप की एफिशिएंसी इंडिविजुअल पाइप की अगर लीकेज नहीं है तो फाइंड आउट कर लो, मींस ये क्या जब लीकेज नहीं हो उस केस में पाइप की एफिशिएंसी क्या आएगी 3 मिनट। जब कोई भी लीकेज नहीं है तो पाइप क्या करता है एक घंटे में 3 यूनिट वाटर फिल करता है किसी भी टैंक में। अब ड्यू टू लीकेज पाइप की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो कितनी आएगी 2 यूनिट। मीन्स यहां से देखो क्या फाइंड आउट हो रहा है हमारे पास में, पाइप की ओरिजिनल एफिशिएंसी आ गई एंड पाइप की लीकेज के कारण आ गई। मीन्स जब लीकेज है उस टाइम पाइप कितना फिल कर पा रहा है 2 यूनिट फिल कर पा रहा है, बट अगर लीकेज नहीं होता तो पाइप कितना फिल करता 3 यूनिट। मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है लीकेज की एफिशिएंसी है, वो क्या है लीकेज की एफिशिएंसी है, क्योंकि एक्चुअल में पाइप को 3 यूनिट फिल करना था बट ड्यू टू लीकेज वो क्या कर पा रहा है 2 यूनिट ही फिल कर पा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 3 - 2 1 यूनिट वो क्या हो गया उस लीक की एफिशिएंसी आ गई। मीन्स एक घंटे में वो 1 यूनिट वॉटर क्या करता है बाहर निकाल देता है और अपने पास में कितना है कंप्लीट 36 है, तो लीकेज को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा टाइम टू एम्प्टी। टोटल यूनिट 36, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी आई 1, मींस 36 हो लगेंगे उस लीक को टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और डिस्कस करते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिसके अंदर एक कंप्लीटली फॉर्मुला टाइप क्वेश्चन लिया है मैंने यहां पे, जिसके अंदर सभी में हमें क्या करना है फॉलो करना है। यहां को डिजिट नहीं किए डायरेक्ट एक फॉर्मुला एक्स एंड वाई के बेस में किया हमने। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन एक्स ओवर्स, एक पाइप एक्स ओवर्स में एक किसी टैंक को फिल कर देता है एंड अनदर पाइप एम्प्टी इट इन वाई ओवर्स, मींस ए नेगेटिव एफिशिएंसी, दूसरा पाइप क्या कर रहा है उसको खाली कर रहा है इन वाई ओवर्स। बोथ पाइप टुगेदर फिल इन हाउ मेनी ओवर्स, दोनों पाइप कितने घंटे में उसको फिल करेंगे या फिर एम्प्टी। तो देखो एक पाइप एक ले लो दूसरा पाइप बी, ए कितने में करता है लेट ये इसको फिल कर रहा है एक्स ओवर में एंड बी क्या कर रहा है वाई ओवर में उसको खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, टोटल वर्क यूनिट आ जाएगा आपके पास में, टोटल वर्क यूनिट आ गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी एक्स वाई में एक्स से डिवाइड करो कितने कितना आएगा वाई, और ये प्लस की एफिशिएंसी आएगी क्योंकि यहां क्या कर रहे हैं हमने जो पाइप ए कौन सा लिया जो उसको फिल कर रहा है एंड बी क्या लिया हमने यहां पे जो उसको एम्प्टी कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या जाएगी माइनस का एक्स। क्वेश्चन में थोड़ा गिवन होगा आपको वाई ग्रेटर देन एक्स, तो उस केस में क्या करोगे वाई एक्स से बड़ा है। अब हमारे पास में दोनों अगर एक साथ ओपन है कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आएगी वाई माइनस एक्स और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आएगी वाई माइनस एक्स। अब कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हम डिवाइड किस में करेंगे टोटल जो वर्क है उसमें कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं, तो फिर होने में कितना टाइम लगेगा एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, फिर होने में कितना टाइम लगेगा उसको एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। तो ये देखा हमने विद हेल्प ऑफ टाइम एंड वर्क कि अप्रोच ही हमने क्या किया यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया। आगे के वीडियो में भी हम पाइप एंड सिस्टर्न की कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो अनदर टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न के जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मैंने आपके साथ वीडियोज में उनकी प्रैक्टिस करें, इस
अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्जाम्स में आप टाइम सेव कर पाए। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।